अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज गढ़ रोड स्थित रंगोली मंडप पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र 7 की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन अभियान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अनिल ढींगरा ने अलग अलग गांव से पधारे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय दिल्ली के उप महाप्रबंधक अनिल कुमार टाक ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी प्रमोद सिरोही ने भी भाग लिया और सिरोही ने सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी। अलग अलग गांव से पधारे किसानों ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे पीएम किसान सम्मान योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधक अनिल देवानी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड पाने वाले सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है अनिल कुमार टाक का। ये प्रोग्राम मैं आपको जैसा बता रहा था कि ना केवल मेरठ के अंदर बल्कि भारतीय स्टेट बैंक के लगभग सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के अंदर इस उद्देश्य से लगाया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं पहुंचा था किसान क्रेडिट कार्ड का, उन तक बैंक पहुँच सके। और बैंक पहुँचने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये फ़ायदा है कि किसान को बैंकिंग से मिलने वाली सुविधाओं का फ़ायदा उसके घर तक पहुंचता है, उसके खेत तक पहुंचता है। और इसी प्रयास के अंदर आज हमारे मेरठ क्षेत्र के डीएम साहब भी अभी आकर के गए थे। उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण वितरण किया है और साथ में ही सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएँ हैं, जो 12 रुपए वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है और जीवन ज्योति वाली योजना है, उसके लाभों के बारे में किसानों को बताया जा रहा है ताकि किसान बैंक के साथ जुड़कर के देश की मुख्य अर्थव्यवस्था के भागीदार बन सकें और अपनी खुद की आय भी दुगनी कर सकें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।